Hello student, can you hear me everyone? Yes, so yes, sir. Good. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कोई बता सकते हैं लास्ट टॉपिक क्या था? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. थैंक यू. तो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ द गैस, मूवमेंट ऑफ द गैस इन अवेलेबल स्पेस. एंड डिफ्यूजन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ द गैस थ्रू स्मॉल ओरिफिस फ्रॉम द क्लोज कंटेनर इज कॉल्ड डिफ्यूजन. आपको लॉ आ गया था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. यहाँ से फॉर्मूला आया था आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू अंडर रूट एम टू बाई एन वन. शायद यहीं तक लिखा था, हाँ या ना? यस सर. जी सर. यस सर. यस. ठीक, वेरी गुड. अच्छा, अब एक बात बताइए सारे लोग कि अगर मान लीजिए ये कंटेनर है आपके पास, इसमें दो गैस है जिसका मोलर मास m1 है, मोलर मास m2 है. एक तो ये हुआ कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर कांस्टेंट है. मान लीजिए हो सकता है गैस 1 का प्रेशर p1 हो, गैस 2 का प्रेशर p2 है. खुद सोचिए जितना प्रेशर ज्यादा लगेगा तो उतना ही गैस और तेजी से भागेगा कि नहीं, जल्दी बोलिए. यस सर. तो हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को ये भी कह सकते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक्सर्टेड. बोलिए हाँ या ना? यस यस सर. तो देखो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा. अगर प्रेशर सेम रहेगा तो मैं न्यूमेरिकल में पता चल जाएगा, प्रेशर सेम है, कुछ नहीं दिया हुआ है, m2 by 1. तो अब फॉर्मूला बन जाएगा r1 by r2 is equal to p1 by p2 under root m2 by m1. Any problem? हाँ या ना, जल्दी बताओ. P प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो देखो p1 by p2. अब ये तो लॉ, ये भी लॉ का पार्ट है, तो दोनों मल्टीपल अंडर रूट m2 by m1. बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आया? यस सर. यस सर. अच्छा सुनो फिर से, ये लॉ ये बताया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया. ओके स्टूडेंट? यस सर. जैसे देखो ऐसे समझो, अब दोनों को जब ज्वाइन करोगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो. पी वन बाय यस सर. हाँ चलिए लिखिए. तो यही है रेट ऑफ डिफ्यूजन. एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान है. उसके बाद अब हम लोग नया पार्ट शुरू करेंगे जिसमें अब न्यूमेरिकल 9 के बराबर रहेगा आपको. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. लिख लिया साइंटिस्ट लोग? यस सर. डन. जी सर. यस सर. नहीं लिखा. हाँ लिखे लिखे, आपके डिक्शनरी में तो नो नो ही है बेचारे. डन सर. गुड, वेरी गुड. चलिए क्वेश्चन नंबर वन एकदम धाए धाए बनाइए. पहला आसान क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है, राइट द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन
of following gas? AO2, BCH4, CN2. पहले आसान क्वेश्चन हीलियम, रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछ रहा, जल्दी से बताइए कौन किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा? हीलियम का सबसे ज्यादा होगा। बहुत अच्छे, उसके बाद सर बी। आवाज का कम कर लो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। पहला आसान क्वेश्चन यही देगा, मोलर मास। तो सबसे ज्यादा डी वाले का रेट ऑफ डिफ्यूजन, उसके बाद बी का, चूंकि इसका मोलर मास 16 है, इसका मोलर मास 28 है, इसका मोलर मास 4 है, इसका मोलर मास 32 है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? उसके बाद सी, उसके बाद डी। बोलिए सब कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। DBCD लिख दिया आपने। अच्छा, क्या हुआ? आपने DBCD लिख दिया अरेंजमेंट। हाँ सही तो है, सबसे ज्यादा D का, उसके बाद B का, उसके बाद C का, उसके बाद अच्छा A का। यस सर। हाँ गुड, थैंक यू। लिख लिया सारे लोग? यस सर। वेरी गुड। हाँ जो लोग लेट से आए हैं, ये पहला स्लाइड है, जो लोग लेट से आए हैं पहला स्लाइड, हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन पढ़ रहे थे, उसी पर क्वेश्चन है। दिस इज फर्स्ट स्लाइड, स्क्रीन शॉट लें। 1 2 3 1 2 3, मुझे उम्मीद है सब लोगों ने ले लिया होगा। ओके चलिए, ये लीजिए सेकंड स्लाइड है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए साथ। सर अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अच्छा सर CH4 का, अच्छा नहीं सर समझ आ गया, सॉरी सर, सॉरी समझ आ गया। नहीं बोलिए बोलिए बोलिए, क्या पूछना चाह रहे थे? नहीं सर समझ आ गया, वो मैंने थोड़ा मासेस का थोड़ा अच्छा अच्छा ना। हाँ तो मास कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, हल्की गैस है ना ये, हल्की गैस है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ये कहना। यस सर, सॉरी सर, वो समझ आ गया। ओके चलिए, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। गैस एक्स है, डाउट क्लासेस में 7-8 क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर कराया था, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनका नुकसान भी है, मजीद क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती है, जो सैटरडे को हुआ था, अगेन इस फ्राइडे या सैटरडे, दोनों में से कोई एक दिन, फिर डाउट और क्वेश्चन डिस्कशन दोनों। तो मुझे जो लोग न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो ज़रूर आए करें, फ्राइडे या सैटरडे दोनों में से कोई एक दिन होगा डाउट और क्वेश्चन डिस्कशन। निकलिया सारे लोग? बताइए व्हाट इज योर आंसर? द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन गैस एट अ गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ द गैस एक्स, मोलर मास ऑफ द गैस एक्स। गुड सर, ऑप्शन ए। अच्छा ओके, और किसी का आंसर? सर बी। ओके नहीं सर, हाँ हाँ बोलिए, पता नहीं सर बी। हाँ कोई बात नहीं, आप ट्राई किया गलत या सर ट्राई करना चाहिए, कोई बात नहीं है, बी आपका आंसर आया, चेक कर लेते हैं। थैंक यू।
ट्राई करना चाहिए बैठने सर बी ओके जाबिर अहसन चलिए देखते हैं सारे लोग सुनिए आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू एम टू बाई एम वन पहले बताइए ये सारे लोगों ने लिखा हाँ या ना जी सर अब आर वन आर टू में कंफ्यूजन हो तो आप आर मीथेन लिख लीजिए तो दूसरे को आर एक्स लिख लीजिए तो ऊपर हो जाएगा एम एक्स नीचे हो जाएगा एम सी एच फोर चूंकि इनवर्सली है आर वन आर टू नहीं लिखना चाहे तो आप इस तरह लिख लें ठीक अब देखिए क्वेश्चन खुद कह रहा है मीथेन गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो एक्स का डबल है तो डबल है इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेशियो टू आ गया है कि नहीं स्क्वायरिंग द बोथ साइड हेलो इट इज आसान क्वेश्चन इट इज आसान क्वेश्चन बोलिए सबको समझ में आए भाई इस दोनों का रेशियो यही ना होगा खुद सोचिए मैं ऐसे लिख देता हूँ मीथेन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन टू एक्स का गैस एक्स का डबल है ये पुट कर दीजिएगा तो आर एक्स कैंसिल तो टू ही ना आएगा बोलिए आया सबको समझ में हाँ या ना बोलिए यस सर बहुत आसान था कोई बात नहीं थैंक यू आगे बढ़ें ये हाँ चलिए yes, sir, done. सब लोग ने लिख लिया ये मैं खुद करूंगा पहले सारे लोग लिखिए लिख लिया यस सर ठीक है सारे लोग अच्छे से समझिएगा ये समझ जाएगा तो आपको इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे मैं कंसेप्ट बता देता हूं देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन की लॉ के लिहाज से नहीं रेट ऑफ डिफ्यूजन की मीनिंग समझिए आप पहले इसकी बहुत सारी डिफिनेशन होती है पहला रेट की बात जब भी होगी टाइम से डिवाइड करेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड भाई जब गैस एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो गैस का वॉल्यूम होगा ना डिवाइडेड बाय टाइम टेकन लिख सकते हैं मीनिंग के लिहाज से यस सर बोलिए दूसरा यह भी हो सकता है गैस में मोल होता है मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं तीसरा खुद सोचिए जब गैस जाएगा एक जगह से दूसरी जगह तो डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा कि नहीं जल्दी बोले ये भी आप लिख सकते हैं डिस्टेंस
ट्रेवल बाई गैस डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, लिख सकते हैं हाँ या ना, जल्दी बताइए सर। यस सर। यस सर। हाँ, लॉ क्या कहता है वो तो है लॉ इनवर्सली, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड जो रेट है उसकी मीनिंग समझना है, उसी पर न्यूमेरिकल है, समझ रहे हैं ना आप लोग? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज्ड, मोल। अब देखिए, नहीं समझ में आए तो आप आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू एम टू बाय एम वन तो लिख सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। अब आपके पास इसमें दो गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड और ओ टू है, तो हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए आपके ऊपर है, आप जिसको ऊपर रखें बताइए। यहां तक सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बोलिए। अब लेफ्ट साइड को देखिए, क्वेश्चन में वॉल्यूम कह रहा है तो वॉल्यूम के फॉर्म में ले लीजिए। देखिए वी वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूज बाय टाइम ऑफ SO2, वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ O2, टाइम ऑफ O2 ऊपर, शुड बी इक्वल टू, आया कि नहीं समझ में, बोलिए हाँ या ना। यस सर। बोलिए। यस सर। बस तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये जो लेफ्ट साइड है न्यूमेरिकल में कहीं पर मोल्स दे देगा, कहीं पर डिस्टेंस दे देगा, समझ में बात आई साइंटिस्ट लोग? तो आप yes. आप बताओ सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना दे हुआ है, 20? अरे बोलो। यस सर, 20 लीटर। टाइम कितना दे हुआ है SO2, 20 लीटर, हाँ 20 जैसे, हाँ हाँ, टाइम 60 सेकंड। और वॉल्यूम ऑफ O2 निकालना है कि दिया हुआ है सर? वो टाइम दिया हुआ है सर, 30 सेकंड। हाँ 30 सेकंड टाइम दिया हुआ है सर। हाँ टाइम दिया, हाँ वॉल्यूम तो निकालना ही है ना इसका, हाँ ठीक है, बस हो गया। O2 का 32, SO2 का 64, बताइए निकल नहीं जाएगा? बोलिए ना आप लोग, गवाही दीजिए। यस सर। यस सर। 210 10 बाई VO2 समझा इज इक्वल टू 32 बाई 64 1 बाई 2 VO2 इज इक्वल टू 20 सेकंड, दिस इज द आंसर। तो आप गौर से सुनिए अच्छे से, मैं दोबारा समझाता हूँ, दोबारा सुने, शुरू से समझें। ये तो रेट ऑफ डिफ्यूजन के लॉ हो गए, बताओ हाँ या ना, ये लॉ हो गए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। अब आइए रेट ऑफ डिफ्यूजन की लैंग्वेज मीनिंग, खुद सोचिए जब गैस एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसके अंदर वॉल्यूम भी होगा, उसके अंदर मोल्स भी होगा, उसके अंदर डिस्टेंस भी होगा, तो वही सब मीनिंग लिख दी गई। न्यूमेरिकल में वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज बाय टाइम टेकन, मोल के फॉर्म में मोल्स ऑफ द गैस डिफ्यूज बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस की बात करेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टाइम टेकन। अब इस न्यूमेरिकल में देखा गया कि 20 डेसीमीटर सल्फर डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन 60 सेकंड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस डिफ्यूज, हाँ सिमिलर कैन 30 सेकंड। अच्छा यहाँ पर यूनिट मैंने गलत लिख दिया, डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो सबको समझ में आया, तो आप पहले लॉ ये लिख लीजिए, फिर क्वेश्चंस के मुताबिक देखिए कि वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम के फॉर्म में लिखिए, डिस्टेंस दिया रहता तो लेफ्ट साइड को डिस्टेंस के फॉर्म में लिखते, राइट साइड वाला तो फिक्स्ड लॉ है वो तो वही रहेगा, लेफ्ट साइड वाला क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा वो क्या पूछ रहा है। डिस्टेंस दे रहा है तो डिस्टेंस के फॉर्म में लिखिए, वॉल्यूम कह रहा है तो वॉल्यूम के फॉर्म में लिखिए, मोल कह रहा है तो मोल के फॉर्म में लिखिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यहाँ पर आपका आ जाएगा 10√2 वॉल्यूम ऑफ O2 10√2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा है ना, चलिए अब सही है। yes. चलिए आप देखिए यहाँ से सारे लोग, ये वाला स्लाइड लिखा था हाँ या ना, क्वेश्चन लिख लिया था? यस सर। यस सर। चलिए ये लिखा था? नो सर। यस सर। चलिए लिखिए, चलिए लिखिए सारे लोग।
डन सर. Has everyone noted down this slide? सबको समझ में आया ये वाला स्लाइड? Yes sir. Yes sir. Yes निकलिया आगे बढ़े. सबको अच्छे से समझ में आया? जाबिर अहसन अहमद एनएच पाशा सबको समझ में आया? जी सर. चलिए सर. डन सर. मैं खुद करूंगा, सारे लोग ध्यान दें. अब इसके बाद मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा. लिख लिया सारे लोग? यस सर. यस सर. देखिए मान लीजिए ये कंटेनर है आपके पास, इसमें हीलियम है और मीथेन है और दोनों का मास रेशियो दिया हुआ है. इसमें होल क्या हो गया तो गैस एस्केप आउट होगा. तो वही कह रहा है रेट ऑफ इफ्यूजन. आप करें गौर से सुनो अच्छे से, जैसे आएगा तो आप इस तरह लिखिएगा MCH4 बाई. ये कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सारे लोग ध्यान दें. अब यहां पर खुद सोचिए, आपको कह रहा है रेट ऑफ इफ्यूजन मास का रेशियो है. अभी हमने आपको पढ़ाया था कि R1 by R2 is equal to P1 by P2 M2 by M1. बताया था? हाँ या ना? जल्दी बोलो. यस सर. यस सर. आप समझो कि कैसे समझेंगे कि यहाँ पर ये फार्मूला ना हो कि ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, उसकी वजह है. तुम पूरा ये चैप्टर आप खत्म होने पर है, तुम ये भी पढ़ चुके हो कि PV is equal to nRT अगर टेम्परेचर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो. ऑब्वियसली वॉल्यूम
है तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो दिस लॉ इज आल्सो रिटेन एज n1 by n2 should be equal to m2 by n1. बोलो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. अरे बोलो. यस सर. यस सर. यस सर. तो मैं ये कहना चाह रहा था कि रेट ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में वेरिएशन है, बस वेरिएशन को दिमाग में रखना है, न्यूमेरिकल टफ होता ही नहीं है इसमें. अब आपको इससे पहले के तमाम न्यूमेरिकल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि गैस का मास दिया हुआ है, बस सिंपल इसमें कह रहा है कि भाई कंटेनर में मास रेशियो, तो मास रेशियो का मतलब आप मोल निकाल लो, वही कह रहा है मोल निकाल लो. तो अब देखो मैं इधर नेक्स्ट स्लाइड, पहले बताओ ये वाला फॉर्मूला सबको समझ में आया कि ये वाला इस्तेमाल ना होके ये वाला क्यों हुआ? बोलो आया समझ में? यस सर. इसलिए हुआ कि मुझे न्यूमेरिकल में इस वेसल का मास दिया हुआ, कहीं पर मास दिया रहे या मोल्स दिया रहे, तो आप समझ जाएंगे P1 by P2 को हम N1 by N2 लिख सकते हैं. दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस न्यूमेरिकल में जो गैस डिफ्यूज्ड या इफ्यूज्ड हो रहा है, अगर उसका मास और मोल्स दिया रहे, मास या मोल, तो हम समझ जाएंगे कि हमें P1 by P2 और M2 by M1 दोनों को लेकर सॉल्व करना है. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I can repeat again. जिस numerical में जो गैस इफ्यूज्ड या डिफ्यूज्ड हुआ है, अगर उसका मास, इनिशियल मास, इनिशियल का मतलब इफ्यूजन से पहले वाला मास दिया हुआ है या इसका मोल्स दिया हुआ है, तो हम P1 by P2 and N1 by N2 करके निकालेंगे. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. अब हम क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि N1 by N2 का मतलब हुआ न्यूमेरिकल में कि आप NHe by N मीथेन, तो गिवन मास by मोलर मास तो WHe, मोलर मास 4, WCH4 गिवन मास बाय मोलर मास ऊपर, देखो WHe पहले हम इसको निकाल लेंगे इनटू 16 बाय 4 लिख सकते हैं या ना, जल्दी बोलो. सर. यस सर. तो देखो N हीलियम बाय NCH4, न्यूमेरिकल में बताओ हीलियम मीथेन के मास का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3/2. 3/2. वेरी गुड. तो 3/2 दिया हुआ है, 16/4, 4 चौका 2 दूना, तो 6 आ गया. अब हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे RHe RCH4 should be equal to NHe NCH4. समझा? MCH4 MCHe MHe, ये है 6:1, CH4 16/4, 4 चौका तो 6 × 12, 12:1. बताओ आया समझ में? अरे बोलो. yes, ना sir. बोलो. यस सर. यस सर. अच्छा सुनो, अब मैं खत्म कर रहा हूँ, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा. कंक्लूजन सुनो अच्छे से, अब अच्छे से सुनो अच्छे से. अगर ये कंटेनर है, मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूँ दोबारा, बस इसमें गैस फर्स्ट और गैस सेकंड दिया हुआ है, नथिंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू एम टू बाई एम वन, पहला केस. दूसरा केस, अगर ये कंटेनर है, इसमें गैस फर्स्ट दिया हुआ है, गैस सेकंड दिया हुआ है और इसका मोल्स भी दिया हुआ है, तो तुम समझ जाना P1 by P2 under root M2 by M1 which is also written as. अब समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, गैस का अगर इनिशियल मोल दिया हुआ हो, इफ्यूजन से पहले का दिया हुआ हो, तो
और या मास दिया हुआ हो, मोल जब लिख दिया तो मास भी दिया रहेगा तो बतवा बराबर है, या इसका पहले का प्रेशर दिया हुआ हो तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ये जो मीनिंग है वो तो आपको मैं न्यूमेरिकल करा ही दिया हूँ कि लेफ्ट साइड की मीनिंग इस पर डिपेंड करेगी। सुना, लेफ्ट साइड की मीनिंग, राइट साइड की मीनिंग, राइट साइड दिस इज द लॉ, लॉ इज द फिक्स्ड, राइट साइड का लॉ इस तरह आप लिखेंगे, लेफ्ट साइड वो डिपेंड करेगा कि आपको दिया रहेगा तो इस्तेमाल करेंगे वी वन बाई टी वन या डिस्टेंस बाई ये वगैरह वगैरह। सबको समझ में आया? आया ना, जल्दी बोलो आप। yes. Yes, sir. चलो यहाँ ये लिख लिए थे, ये हाँ ये तो लिख लिए थे, चलो यहाँ से लिखो। अच्छा छोड़ दो इसको, इसको आप तुम छोड़ ही दो। हाँ ये तुम यहाँ से लिखो, कंक्लूजन तो लिख ही दिया ना मैंने आपको, ये लिखिए यहाँ से कंक्लूजन तो लिख ही दिया, वहां से लिखिए। चलिए अब नए टॉपिक पर आइए सारे लोग। Done, sir. So next slide एक बार दिखा दिए। सब लोगों ने लिख लिया? No, sir. जी sir. Done, sir. Dancer. हाँ हो गया, आप जयंती बताइए। यस सर। यस सर। चलिए अब ये पार्ट खत्म, न्यूमेरिकल वाला पार्ट खत्म, आप इस हफ्ते पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर थर्मो भी एक बड़ा चैप्टर है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। अब गौर से सुनिए, हमने आपको ये बात बता लिखवा दिया था और आज दोबारा लिखवाएंगे, लेकिन 15-20 मिनट के बाद। मैंने आपको कहा था कि आइडियल गैस क्या होता है। आइडियल गैस वो होता है जो डिफरेंट गैस लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करे। बताया था हाँ या ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो ध्यान देंगे वो ये कि दो गैस, अब इसके बारे में दो गैस के बारे में अब पढ़ेंगे, एक है आइडियल गैस और एक है रियल गैस। गौर से सुनिए, तो पहला काम हम ये करेंगे कि एक साइंटिस्ट ने काइनेटिक थ्योरी दिया। काइनेटिक थ्योरी फिजिक्स में भी, थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है। काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ द गैसेस, अभी लिखिएगा नहीं जब तक मैं ना कहूं, और से सुनिए। ये उन्होंने पास्टुलेट दिया, अजम्पशन दिया एंड एप्लीकेबल। ये जो काइनेटिक थ्योरी है जो उसके पॉइंट सबको बस याद रखना है, एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। सारे लोग मिलके बोलो आइडियल गैस की मीनिंग तुम्हारे माइंड में है या नहीं, जो गैस, हाँ गैस लॉस को फॉलो करे। अगर माइंड में है और इस थ्योरी के बाद फिर हम रियल गैस और आइडियल गैस का डिफरेंस और अच्छे से लिखवाएंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि काइनेटिक थ्योरी का एजम्पशन दिया और विच इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। किसके लिए एप्लीकेबल है बोलिए साइंटिस्ट? आइडियल गैस। आइडियल गैस। तो अब देखिए आइडियल गैस के लिए पहले अब टॉपिक लिखिए सारे लोग, टॉपिक लिखिए, अब मैं लिखवाऊंगा, टॉपिक लिखिए सारे लोग। डन सर। हाँ ये डायरेक्ट स्कूल के एग्जाम में आता भी है कि काइनेटिक थ्योरी के पास्टुलेट लिखें
ऑब्जेक्टिव में काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गैस या आइडियल गैस के बारे में, तो इसको थ्योरी को आपको पढ़ना है। तो देखिए ये पास्टुलेट में, ये जो पास्टुलेट है बेसिकली एटम और मॉलिक्यूल दोनों के लिए है। हम गैस पार्टिकल को देख तो नहीं सकते, कैसा बिहेवियर होगा गैस का जो इस पास्टुलेट में बताया गया। दोबारा मैं, अच्छा एक बात और, मैं पहले पॉइंट से पहले ये एक स्टार पॉइंट लिखवा दूं कि आपको समझने में और आसानी हो। सब लिखना शुरू कीजिए, 1-2 बाद में लिखेंगे, पहले ये बात मालूम हो। लिखिए दिस थ्योरी, लिखिए तो सारे लोग लिखना, दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू एटम एंड मॉलिक्यूल विच कैन नॉट बी सीन, जिसको हम गैसेस पार्टिकल को विच कैन नॉट बी सीन, हम देख नहीं सकते, तो उसका बिहेवियर कैसा उसको हम समझ सकते हैं, तो इसलिए ये माइंड में रहे कि हम उसको देख नहीं सकते, समझा कि नहीं। इसलिए मैं ये भी लिख देता हूं, देयरफोर, कि आपके माइंड में रहे, दिस मॉडल या दिस थ्योरी प्रोवाइड अ माइक्रो, माइक्रो माने स्मॉल, हाँ माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ गैस, हम गैस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पढ़ रहे हैं, ये चीज आपके माइंड में हो। जब भी काइनेटिक थ्योरी रहेगा तो ये एग्जाम में लिखेंगे नहीं, अब जो हम 1-2-3 लिखना है वो एग्जाम में लिखना है। माइंड में रहे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस रिलेटेड टू एटम और मॉलिक्यूल विच कैन नॉट बी सीन, देयरफॉर दिस थ्योरी प्रोवाइड अ माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ द गैस, हम गैस पार्टिकल को देख तो नहीं सकते लेकिन गैस का बिहेवियर क्या होगा वो इस थ्योरी ने बताया। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। चलिए अब जल्दी जल्दी लिखना शुरू कीजिए, जहां मुझे समझाने की जरूरत होगी वो मैं समझाऊंगा, और इसी के बेसिस पर, काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पर आइडियल और रियल गैस में डिस्टिंग्विश होगा। तो सबसे पहले सारे लोग पहला पॉइंट लिखिए, सारे लोग लिखना शुरू कीजिए, गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल, पार्टिकल्स का मतलब वही है कि या तो कहीं हीलियम गैस, हीलियम में एटम की बात होगी, ऑक्सीजन गैस है तो वहां मॉलिक्यूल की बात होगी, तो गैसेस जो होते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में भी होते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं। तो गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ब्रैकेट में मत लिखिए, रुकिए रुकिए, गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्मॉल पार्टिकल लिखिए, कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये लिखिए, उसको आपको कहा गया मॉलिक्यूल्स। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। पहले पॉइंट में किसी को दिक्कत? नो सर। हाँ, जैसे हीलियम गैस है तो हीलियम गैस बहुत सारे पार्टिकल हैं, सब आइडेंटिकल ही होंगे, इसी को एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहा गया। सेकंड पॉइंट, अच्छा बताइए, गैसेस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होती है कि कम होती है? ज्यादा होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, ज्यादा होती है। हाँ, तो गौर से सुनिए, तो जब स्मॉल पार्टिकल, गौर से सुनिएगा, हम लोग जब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इस्तेमाल किया था, जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, तो आपको मालूम है वी क्या है, यहाँ पर बता सकते हैं वी क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है? गैस का, गैस का। अच्छा, न्यूमेरिकल सब में क्या लिखा रहता था, गौर से सुनिएगा मेरी लैंग्वेज को, गौर से सुने आप,
calculate the pressure exerted by 1.6 gram of the carbon dioxide and 3.2 gram of the methane gas placed in 1 liter of closed vessel. Numerical को सोचिए कि container के volume को आपने gas का volume लिया. Point to be noted. ये नहीं लिखा रहता था. एक आर question में था भी 2 liter of gas तो वहाँ आपने P1 V1 का इस्तेमाल किया था. Yes sir. Pressure exerted by the gas में numerical में देख लीजिए आप. जिस दिन रिवीजन क्लास थी उसमें भी मैंने न्यूमेरिकल कराया था, मेन क्लास में भी. अब गौर से देख के लिखा रह हुआ है कि गैस जो है वो 1 लीटर क्लोज्ड वेसल में है. तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ द गैस, इससे क्या साबित हुआ कि गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं है. मतलब ये हुआ कि कंटेनर का जो वॉल्यूम है, जैसे यहाँ पर इस कंटेनर में वॉल्यूम, ये गैसेस पार्टिकल हैं, तो गैस पार्टिकल इतना स्मॉल है, यानी आइडियल गैस इतना स्मॉल है, इतना फार अपार्ट है कि ये इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो गया एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. दैट द रीजन मैं क्यों नहीं आइडियल गैस की पूरी डिफिनेशन अब तक लिख पाई, उसकी वजह है. गौर से सुनिए दोबारा, आप आइडियल गैस को पॉइंट मास पार्टिकल कंसीडर कीजिए. कौन सा पार्टिकल? पॉइंट मास. बहुत ही स्मॉल पॉइंट मास. जब बहुत ही छोटा है, दे आर फार अपार्ट, सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस इज नेग्लिजिबल. जबकि ये बात सही नहीं है, गैस का अपना कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, तो उस गैस को रियल गैस कहेंगे. आइडियल गैस, कोई भी गैस 100% आइडियल नहीं है. हमारे सराउंडिंग में जो गैसेस हैं बेसिकली वो रियल है. हम लोग पढ़ेंगे दो गैस आप, आइडियल रियल. कोई पूछे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैस, तो आइडियल गैस इज द पॉइंट मास पार्टिकल. उसके बीच की डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि हम आइडियल गैस के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल बनवा लेंगे. दैट द रीजन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में कंटेनर के वॉल्यूम को आपने गैस का वॉल्यूम लिया, जबकि रियल गैस के न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं होता. गैस का अपना कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है. अरे बोलिए ना, हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर. तो आपके माइंड, तो इसलिए कहा गया कि काइनेटिक थ्योरी जो है वो आइडियल गैस के लिए है. अब मैं आपको, अब देखिए आइडियल गैस की दो बातें आपको समझ में आ गई. पहली बात आई कि द गैस विच ओबेज द गैस लॉज, ये जनरल स्टूडेंट लिखेगा, आप इस तरह लिखेगा, द गैस विच ओबेज द गैस लॉज स्ट्रिक्टली. स्ट्रिक्टली कहते ना भाई, सख्ती से हुक्म मानना है, मतलब हर टेम्परेचर प्रेशर पर. आप कहते ना हमसे ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, आसान क्वेश्चन था सर, आप टिक मार दिया, आपको ऑप्शन कैसे दे देगा? ओबेज द गैस लॉज एट लो एंड हाई, ओबेज द गैस लॉज एट हाई एंड ओबेज द गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर. हम ऊपर पर पढ़ते हैं गैस लॉज को ओबे करना, गैस लॉज को ओबे करना, इसको लाएगा. नो, आपको अच्छे से थ्योरी मजबूत करनी है. कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन टफ नहीं बनता. हम लोग पढ़ने का नजरिया हम लोग का अलग है. हड़बड़ाहट में पढ़ते हैं, जल्दी में पढ़ते हैं, सोच समझ के नहीं पढ़ते, डिफिनेशन को ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं. द गैस विच ओबेज द गैस लॉज स्ट्रिक्टली एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्ट्रिक्टली का मतलब ये हुआ, आप अभी पढ़िएगा, रियल गैस भी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो कर सकता है, बट हर टेम्परेचर स्ट्रिक्टली नहीं, एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर्स पर. तो मैं ये कहने वाला था कि आइडियल गैस की पहली डिफिनेशन विच ओबेज द गैस लॉज स्ट्रिक्टली, दूसरा आइडियल गैस की करेक्टरिस्टिक्स, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस इज नेग्लिजिबल as compared to volume of the container. Okay, why? Because ideal gas considered as point mass particle. मैं दूसरे व्यू से भी आपको समझाता हूं. जबकि ये एजप्शन काइनेटिक थ्योरी का गलत था, इसी एजप्शन से रियल गैस का कंसेप्ट आया. और आपका बोर्ड में ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है कि write the cause of deviation. Write the cause of deviation from ideal behavior. कोई भी गैस आइडियल से डिविएट कैसे कर गई? तो पहला था वॉल्यूम, आइडियल का वॉल्यूम कंसीडर नहीं किया गया.
और रियल का वॉल्यूम कंसीडर किया गया। बताइए यहाँ तक सबको समझ में आ रहा मेरी बातें? यस सर। यस सर। आप वॉल्यूम नेग्लिजिबल को इस तरह भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आइडियल गैस कहा गया लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्मॉल पार्टिकल है, लार्ज नंबर ऑफ है, समझा कि नहीं, मान लीजिए ये स्मॉल पार्टिकल है, किसी आप इसको कंप्रेस्ड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, किसी प्रोसेस के जरिए, तो देखा ये गया, अगर आपको समझना चाहते हैं थोड़ा सा, देखा ये गया कि भाई ये इतना पॉइंट मास है कि जब कंप्रेस होगा तो तमाम गैस एक जगह आ जाएगा, हाँ या ना, नजदीक आ जाएगा। yes, sir. Yes, sir. तो खुद सोचो सब मिलकर इतने इतने वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है कि नहीं? अरे बोलो yes, ना बोलो yes, ना बोलो sir. ना ठीक है। लेकिन हम माइंड में रखेंगे कि रियल गैस को हम मानेंगे रिजिड स्फेरिकल पार्टिकल, रिजिड, मान लो ये कंटेनर है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ऐसे समझो, थोड़ा सा साइज में बड़ा है, रियल गैस को माइंड में रखो बड़ा है बिहारी, अगर तुम इसको किसी प्रोसेस के जरिए कंप्रेस करोगे तो ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम में आता है, अब इतने वॉल्यूम को नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते ना, अरे बोलिए ना, तो यहाँ पर गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर नहीं है, मतलब ये हुआ कि गैस का अपना कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, ये कोई भी कहे गैस का अपना वॉल्यूम है, ये कौन सा गैस हुआ बताओ, रियल की आइडियल, रियल रियल, ओके समझ में आया? तो देखिए, तो मैं आप पॉइंट्स, तो काइनेटिक थ्योरी ये मत सारे थ्योरी है रख लेंगे, ना 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 ना, इस पर बहुत स्टेटमेंट और स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट फंस जाते हैं, इसलिए सेकंड पॉइंट लिखिए इन कंपेरिजन टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, या ये भी लिख सकते हो इन कंपेरिजन टू, ये वर्ड बताना अगर ना समझ में आए तो, इन कंपेरिजन टू द एम्प्टी स्पेस, तो बताओ खुद सोचो, एक मिनट सुनो, ये गैसेस जो मैंने आपको कहा ये इतने वॉल्यूम है, ये जो एम्प्टी स्पेस है बेसिकली ये कंटेनर ही का तो वॉल्यूम है, अरे बोलो ना, हाँ तो कहीं कहीं, हाँ तो लैंग्वेज पर ये नहीं, एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, तो गैसेस आर सो स्मॉल एंड सो फार अपार्ट दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इज कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या स्पेस बिटवीन देम, लिख लिया सारे लोग? यस सर, लिख लिया। तीसरा, दे आर कंसीडर्ड, ये जो गैसेस पार्टिकल हैं दे आर कंसीडर्ड एज पॉइंट मासेस, कौन सा मासेस, पॉइंट मासेस, ठीक है। फोर्थ, अब देखिए तो और से सुनिए फिर से एक दफा, कौन ऐसा गैस है जिसका वॉल्यूम काइनेटिक थ्योरी में नेग्लिजिबल माना गया, बताओ कौन से गैस का, आइडियल गैस, आइडियल गैस,
अच्छा बताओ ये एजप्शन रॉन्गली एजप्शन है कि ट्रू एजप्शन है? रॉन्ग। अगर ये एप्लीकेबल है भी तो आइडियल के लिए, जबकि जनरल गैस हमारे ऑल एग्जिस्टिंग गैस होती है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, उसको रियल गैस कहा गया, समझ रहे ना? तो इसी बिहेवियर की वजह से, इसी की वजह से रियल गैस का कॉन्सेप्ट आया। तो पहला रीजन, कोई भी पूछे व्हाट इज द कॉज, जैसे कहते हैं ना कि ये बच्चा क्यों डिविएट हो गया, सोसाइटी से क्यों डिविएट हो गया, तो कुछ रीजन होता है ना, कि कोई भी अच्छे से बुरा होने पर या बुरा से अच्छा होने पर कुछ तो कॉज होता है ना। अरे बोलो ना। यस सर। यस सर। वही है कि भाई कोई भी गैस आइडियल से डिविएट क्यों किया, तो पहला रीजन है वॉल्यूम ऑफ द गैस। कि भाई काइनेटिक थ्योरी ये कहता है कि गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता, जबकि बाद में साबित हुआ कि भाई गैस का वॉल्यूम तो होता है, तभी तो गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। अब आइए फोर्थ भी रॉन्गली एजप्शन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से सुनो। गैस के अंदर इंटरमॉलिकुलर फोर्स कमजोर होता है कि स्ट्रांग होता है, जल्दी बोलो। कमजोर होता है, लेकिन कमजोर होता है, ये तो सबको मालूम है। हाँ जाना जल्दी बोलो। यस सर। आइडियल गैस में मान लो ये पॉइंट मास पार्टिकल है, आइडियल गैस का की पॉइंट है पॉइंट मास, तो काइनेटिक थ्योरी ये पॉइंट मास है, तो इसमें उन्होंने कहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने एकदम जीरो माना, जबकि ऐसा नहीं है। गैस में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो गैस सॉलिडिफाई होता है, तभी तो गैस लिक्विफाइड भी होता है। अरे बोलिए ना। हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो आइडियल गैस का क्यों नहीं मैंने पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखा? तीसरी करेक्टरिस्टिक आइडियल की आई, पहला वो तमाम गैस लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, दूसरा द वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस इज नेग्लिजिबल, दैट द रीजन एनपीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। तीसरा करेक्टरिस्टिक आइडियल गैस का, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जबकि रियल गैस में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट द रीजन गैस सॉलिडिफाई होता है, गैस लिक्विफाइड होता है, लेकिन आइडियल गैस ना लिक्विफाइड हो सकता ना सॉलिडिफाइड, क्योंकि उसमें फोर्स अट्रैक्शन है ही नहीं। अरे बोलिए ना कुछ। Yes, sir. तो आइडियल गैस में जैसे आपको कोई कहे, क्योंकि देखिए इसमें हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जो केमिकल बॉन्ड नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, क्योंकि इस वाले पार्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात बहुत होगी। गौर से सुनिए, और हम आप सारे जो बच्चे पढ़ चुके हैं बता चुके हैं, यहां देखें। मान लीजिए अगर आपको कहे हाइड्रोजन गैस है और अमोनिया गैस है, दोनों गैस कौन है, तो आपके ऑल गैस, ऑल एग्जिस्टिंग गैस आर रियल, ऑल एग्जिस्टिंग गैस आर, बोलिए ना, रियल। हाँ, चौथा पॉइंट में आइडियल के बारे में भूल गया, वो मैं आपको लिखवाऊंगा। आइडियल गैस आर हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, जैसे आप फिजिक्स में भी पढ़िएगा रोटेशनल डायनेमिक्स, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी को केमिस्ट्री में कहते हैं आइडियल सॉलिड, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल गैस, आइडियल। आइडियल सॉलिड वो होता है जिस पर फोर्स, लाख फोर्स अप्लाई करो, बिहारी का शेप वगैरह चेंज ना हो, जबकि ऐसा नामुमकिन है। फोर्स अप्लाई करने पर कुछ ना कुछ तो शेप में चेंजिंग होगी ना। अरे बोलो ना। यस सर। यस सर। लेकिन फिजिक्स में हम रिजिड बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह हम जीरो मान के सॉल्व करते हैं। रिजिड बॉडी, सॉलिड से भी हायर सॉलिड, रिजिड, रिजिड पढ़िएगा उसी में, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़िएगा, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन, जबकि 100% कोई भी बॉडी रिजिड नहीं हो सकती, लेकिन हम एंगुलर एक्सेलरेशन, उसी तरह केमिस्ट्री में कोई भी गैस 100% आइडियल नहीं है, बट व्हाट इज द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल, ऑल एग्जिस्टिंग गैस आर द रियल अप्रोचेस टू आइडियल। जैसे ये दोनों गैस रियल है, लेकिन अगर पूछा जाए कि आइडियल के करीब कौन है, बहुत ही कहते हैं ना दोनों आदमी खराब है, लेकिन उस खराब में थोड़ा सा अच्छा कौन है, दोनों गैस रियल है लेकिन उस दोनों में आइडियल के करीब कौन है, तो आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेजर करोगे। तो खुद सोचो अमोनिया में
कोवेलेंट बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, बता जो हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े हैं, और H2 में सिमिलर एटम है, तब सिमिलर एटम है तो फोर्स जीरो होगा कि नहीं, लगभग लगभग क्या होगा, चार्ज जीरो होगा, जब चार्ज जीरो होगा तो इसमें फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही जीरो तो नहीं बोल सकते, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कमजोर है, तो दोनों रियल है लेकिन इस दोनों में आइडियल के करीब कौन है, H2। अरे बोलो हाँ या ना। तो सारे लोग बताओ किस गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जीरो कहा गया, आइडियल 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 गैस। निको देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particle of gas at ordinary temperature। likh liya? yes sir। जब इससे हाँ निकले सारे लोग हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो बस यही दो एजप्शन रॉन्ग है, बाकी सब पॉइंट लगभग जो रियल में होता है वही आइडियल में होता है। लिखना शुरू करें, पार्टिकल्स, मैं फिर समझा दूंगा, पार्टिकल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट एंड, मैं इसको समझाऊंगा आपको, आसान पॉइंट है, रैंडम मोशन। तुम खुद जानते हो ना जब गैस पार्टिकल होता है तो उधर 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 आपस में रैंडम मोशन होता है, गैस का कोई फिक्स्ड वेलोसिटी नहीं होता, उधर 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 भागता रहता है। बोलो हाँ या ना। यस सर। रैंडम मोशन का मतलब जिगजैग मोशन, कोई फिक्स मोशन नहीं है। ओके हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करता है, समझा, ये नहीं कि भाई ये पार्टिकुलर डायरेक्शन ही में मूव करेगा, इन ए स्ट्रेट लाइन, जब ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन ये आपस में टकराता भी है, कोलाइड भी करता है, ड्यूरिंग देयर random motion they collide with each other, collision theory, work power energy physics mein hai, head on collision, elastic or collision, shayad padhe ho ki nahi tum log। yes sir। yes sir। no sir। koi baat nahi hai, they collide with each other, tum and with the wall of the container, आपस में भी टकराता है और जिस कंटेनर में है उसके वॉल से भी टकराता है। बोलो हाँ या ना। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। बोलिए, लिख लिया साइंटिस्ट लोग? यस सर। यस सर। गुड, सब लोगों ने लिख लिया ना, आगे बढ़े। देखो मान लो ये हाँ बोलिए ये, अरे मुशर्रफ नहीं लिखे थे? नो सर। हाँ जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हाँ लिख लिया? यस सर। गुड। अच्छा वही कह रहा है कि देखो गैसेस पार्टिकल जो होते हैं वो लगातार मोशन में रहते हैं, वो कभी रेस्ट पर नहीं रहते, नंबर वन। नंबर टू, जैसे जब आपस में मोशन में रहते हैं तो ये आपस में भी टकराते हैं और वॉल के साथ भी टकराते हैं,
अब गौर से सुनो, जो ने फिजिक्स नहीं पढ़ी है अब तक पूरा वर्क पावर तक, गौर से सुनो अच्छे से। एक होता है इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक। एक बात बताओ, कॉलिजन्स के बाद भी पार्टिकल्स मूव करता रहता है, मतलब एनर्जी का लॉस्ट नहीं होता। इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन फिजिक्स में उसको कहते हैं कि कॉलिजन्स के बाद उसकी टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट हो। एक की लॉस हुई तो एक की लॉस हुई तो दूसरे की गेन होगी, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बोलो? कंजर्व कॉन्स्टेंट होगी कि नहीं? क्यों? अगर एनर्जी का लगातार लॉस होता रहता तो पार्टिकल को घूमते घूमते बैठ जाना चाहिए था, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, इसका इसको आप पूरा डिटेल में अपना फिजिक्स वाले सर आपको समझाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव का बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है केमिस्ट्री में कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी द कॉलिजन्स बिटवीन द गैसेस, आपको लिख देगा चार ऑप्शन, तो याद रखिए द कॉलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल आर कंसीडर्ड परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। कौन सा कॉलिजन? परफेक्टली इलास्टिक। What does mean the perfectly elastic? Total energy before the collision and after the collision remains constant. Na loss ho rahi hai na gain ho rahi hai. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अरे सबको समझ में आया ना? बाकी फिजिक्स में पढ़ोगे अपना? कोई बोल ही नहीं रहा है? हाँ जी सर. Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. अरे शाइस्ता, आतिफ, रमशा, सबको समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. ये मैं सेल्फ स्टडी के लिए लिखा रहा हूं, आपको बस ये लाइन है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, ये मैं लिख देता हूं कि टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल Any problem? No, sir. Next point likhna. जब रैंडम मोशन होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर वेलोसिटी भी होगी। अब वेलोसिटी की बात हो रही है, हैव डिफरेंट स्पीड। इधर सुनो, दो मिनट टाइम दो, इधर सुनो अच्छे से सुनो। ये जो लाइन है ना, एट एनी पार्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड, सबकी स्पीड अलग अलग होगी और वो तीन तरह की स्पीड होती है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में तो ये वाला टॉपिक नहीं है। आपको मालूम है एनसीईआरटी की खास बात यह है कि जो पहली बुक है उसके एंड में हर चैप्टर में जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो भी है, तो पेपर में टफ पेपर उससे ज्यादा बनता है। खराब टीचर जो होता है ना उससे, ये मत समझिएगा स्टेट्स ऑफ मैटर में जो चीजें लिखी गई हैं, लास्ट में आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो हर चैप्टर में जो एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने वो भी लिखा हुआ है। तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ये टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर में है, एक्स्ट्रा वाले टॉपिक में एनसीईआरटी में। बहुत आसान है, कोई टफ नहीं, सिंपल फार्मूला 2RT / m, 3RT / m, 8RT / pi m, बस तीन फार्मूला है, न्यूमेरिकल देगा ढाई ढाई बन जाएगा। ये याद रखना, एट एनी पार्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड। अरे बोलो ना, हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो वो टॉपिक में बोर्ड लेवल में अच्छे अच्छे
टीचर बनाते हैं, कंपटीशन में भी तो आते हैं, और फिजिक्स में भी ये वाला आप पढ़िएगा, मैं भी पढ़ाऊंगा, बहुत कोई याद ये नहीं है। तो जब डिफरेंट स्पीड होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। चलो अब लास्ट ये लिख लिए, लिख लिए एक लास्ट पॉइंट। हाँ जी सर। हाँ एक लास्ट पॉइंट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, समझा कि नहीं, प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जब हम तुमको फॉर्मूला लिखाएंगे, हाँ, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला ड्राइव होगा, कि काइनेटिक एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वो बाद में आप पढ़िएगा, मैं प्रूफ करूंगा। 3/2 nRT, दिस इज द फॉर्मूला फॉर आइडियल गैस। ये मत समझे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ही होता है, ये काइनेमेटिक्स में है। काइनेटिक एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले, चार्ज है तो q × पोटेंशियल, सब पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बताया था। तो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला है 3/2 nRT, और ये फिजिक्स में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। चलिए बताइए, काइनेटिक थ्योरी सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। सारे लोग भी बोलो, काइनेटिक थ्योरी आइडियल गैस के लिए है कि रियल गैस के लिए? आइडियल गैस। हाँ, अब कंक्लूजन सुनो, टॉपिक डालो आइडियल गैस, अब पूरी बातें सारे लोग गौर से सुनो और लिखना भी शुरू करो जल्दी जल्दी। आइडियल गैस की अब डिफिनेशन, द गैस विच obeys the gas laws, gas laws का मतलब Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law, जो भी laws हैं, gas laws strictly का मतलब होता है at all temperature and pressure is called, अब आपको कह देगा define ideal gas, आप सही से लिख, पूरा chapter पढ़ लिया और school के exam में आप लिख नहीं पा रहे हैं तो अफसोसनाक बात होगी, इसलिए हर चीज आपको आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इट इज हाइपोथेटिकल, मतलब ये रियल में होता होता कुछ नहीं है, इट इज हाइपोथेटिकल गैस, समझा। तीसरी बात ये है जो मैंने आपको बताया, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, यानी ये पूरा कंक्लूजन हो गया इन कंपैरिजन। कोई भी आपसे पूछे आइडियल गैस के बारे में तो सबसे पहले तो ये पॉइंट बोलें, बाकी कुछ पूछा जाए तो इसमें से आप बोल सकते हैं, कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो वही है कि आइडियल गैस का वॉल्यूम नहीं माना गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? देयर इज, बोलो बोलो, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये किसकी विशेषताएं हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस गैस में नहीं मानी गई? आइडियल गैस। हाँ, बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। तो ये पूरा कंक्लूजन हुआ, कोई हिला नहीं सकता आइडियल गैस के बारे में आपको। ये चार पॉइंट दिमाग में रखिए। अब मैं रियल के बारे में लिखवा देता हूँ, अब दाएं दाएं हो जाएगा इंशाल्लाह, इसमें खत्म। फिर हम नेक्स्ट मंडे से या हो सकता है थर्सडे से हम थर्मोडायनेमिक शुरू करें। अब थर्मोडायनेमिक्स में बहुत न्यूमेरिकल पढ़ना है आपको। सर डन, लिख लिया। थैंक यू डन सर। यस सर डन, लिख लिया सर। चुप ना रे, लबर लबर इतना आदमी बोलता है, लिखो। ये लिखे नहीं सर। लिख लिया? यस सर। यस सर। यस सर। थैंक यू। जो लोग रिवीजन क्लास में नहीं आते हैं, इस बैच में 40-42 स्टूडेंट हैं और आते हैं 40 हैं लगभग, और आते हैं 15। अब बाद में कितने क्वेश्चन करवाए थे उस दिन डिस्कशन में, कोई बता सकता है?
अब जैसे आपको मैंने ग्राहम लॉग डिफ्यूजन है तो उसके और क्वेश्चंस कराएंगे आपको, उसको अलग पेजेस पर लिखें आप। तो नेचर में ऑल एग्जिस्टिंग गैस जो है बेसिकली वो कौन सी गैस है? रियल गैस। कितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अच्छा कर लिया, यहाँ तक लिख लिए। डन सर। थैंक यू। डन सर। गुड, सब लोग ने लिख लिया। अजलान, निमिर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। स्टाइल में रहता है, इसका स्टाइल में है भैया। ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, रियल गैस कंसीडर्ड एज रिजिड स्फेरिकल पार्टिकल। क्या बोला मैंने? रिजिड स्फेरिकल पार्टिकल। और आइडियल गैस को क्या माना गया? पॉइंट मास पार्टिकल। हाँ, तो उसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने आइडियल के बारे में पॉइंट मास लिया है, रियल के बारे में इस तरह की लाइन नहीं है। ये एक समझने का पॉइंट है कि रियल गैस का क्यों वॉल्यूम कंसीडर किया गया, तो कि भाई पॉइंट मास नहीं है, उसके रिजिड स्फेरिकल है, कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसमें, तो देयर द रीजन। ये एक समझने के लिए आपको बताया गया है, ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखें। और इसके पीछे वाले लगा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना था। बिहारी है क्या? लिखना। हाँ लेना, तू स्क्रीनशॉट दिखता नहीं स्क्रीन। हो गया सर। गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप, ना जाने क्यों। लिख लिया? हाँ जी सर। सर आगे कर दी। अरे बहुत बोलती हैं, आगे कर दे, चुपिए। बहुत बोलती हैं ये भी, लबर 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 बोलती रहती हैं। आगे कर दीजिए। लिख लिया जी सर। यस सर। यस सर। अरे सामिया रऊफ नाम के स्टूडेंट ने लिखा। यस सर। यस सर। कंक्लूजन का सेकंड पॉइंट। अच्छा सारे लोग मिलके बोलना, कोई तुमसे पूछे क्या रियल गैस में रियल गैस गैस लॉस को फॉलो कर सकता है, तो क्या बोलोगे? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ हाँ कर सकता है, हर टेम्परेचर प्रेशर पर नहीं करेगा, कर सकता है। मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का इस्तेमाल रियल गैस में हो सकता है, हर टेम्परेचर प्रेशर पर नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। अब मैं तुम्हें आसान ट्रिक्स दे रहा हूं। मान लो तुम्हें कोई पूछे, अगर तुमसे कोई पूछे कि ये रियल गैस है, ये आइडियल बिहेवियर कब शो करेगा, गौर से सुनो। ये
ये आइडियल गैस कब शो करेगा, तो रटने का नहीं है। देखो कैसे याद करोगे, गौर से सुनो, समझ के फिर डायरेक्ट याद कर लेना, एक अलग मैटर है। आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या माना गया, जल्दी बोलो। जीरो जीरो जीरो। यहाँ कुछ ना कुछ होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब जीरो होगा, जब पार्टिकल बहुत डिस्टेंस पर हो, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा बताओ पार्टिकल बहुत डिस्टेंस पर कब होगा, जब प्रेशर लो हो, कम होगा। हाँ कम होगा, अरे बोलो ना, हाँ या ना। बस लो प्रेशर। अब पार्टिकल कब ज्यादा होगा, अब दूर पर कब जाएगा, जब टेम्परेचर हाई हो, जब टेम्परेचर हाई हो, हाँ वेरी गुड, तभी तो मॉलिक्यूल दूर भागेगा, और दूर भागेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा। हम स्टूडेंट्स को अब रट लेते हैं, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, अब बाद में बाल नोचते हैं, अरे क्या था, ओ शिट, अरे ओ शिट नहीं करना। आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो तभी होगा जब मॉलिक्यूल पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो, पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होने की दो कंडीशन, लो प्रेशर है। तो कहो रियल गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का यूज कर सकता है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, क्यों, इस पॉइंट पर, इस कंडीशन पर रियल गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो। आइडियल गैस। अब उसका उल्टा कर दो, आइडियल गैस आपको पूछा जाएगा द टेम्परेचर एट विच आइडियल गैस शोज क्या कहते हैं रियल गैस बिहेवियर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर, कल के लेक्चर में आएगा हाई टेम्परेचर लो प्रेशर क्यों, सॉरी हाई टेम्परेचर का सॉरी लो टेम्परेचर का मतलब उल्टा ही, मैं सेम चीज लिख दिया मैंने, यहाँ देखो हाई लो प्रेशर की जगह क्या लिखोगे, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, अरे मैंने रिवर्स देखो, अगर कोई कहे रियल गैस आइडियल में कब कन्वर्ट होगा, बोलो लो प्रेशर लो टेम्परेचर। तो हाँ तो देखो रियल गैस आइडियल करेगा लो प्रेशर हाई पर, और आइडियल रियल में जाएगा हाई प्रेशर लो पर, दोनों को झुलझुल के नहीं रटना, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बोलो। जी सर। हाई प्रेशर पर मॉलिक्यूल करीब आ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने लगेगा तो ये रियल गैस हो जाएगा, अरे बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर। यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। फिर से बोलो रियल आइडियल कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो कब होगा, जल्दी बोलो, लो प्रेशर हाई टेंपरेचर। वेरी गुड, समझ के याद करना है। फिर तुमसे कोई पूछे आइडियल रियल होने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए कब होगा, हाई प्रेशर हाई टेंपरेचर लो टेंपरेचर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। लिख लो डन सर। हो गया सर। ओके बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।